अब पहले मेरा शिवसेना में विश्वास था, और लेकिन अभी मैं बिल्कुल उन्हें फॉलो नहीं करती हूँ जब से वो कांग्रेस के साथ गए हैं। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है ना जिन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर रखा है अभी तक। और अभी जी इसके अभी मैं अभी कुछ साल पहले तक, जब जब मोदी जी आए 2014 में, उसके पहले ऐसे लगता था जैसे जैसे भारत देश लावारिस हो चुका है, कोई है नहीं पूछने अरे वाला देश को। ऐसे लगता जब जी कांग्रेस का राज था तब ये लगता था कि देश को पूछने वाला कोई नहीं है, देश लावारिस हो चुका है। जी तो अभी वो बिल्कुल। फीलिंग आ रही है कि लोग जाग रहे हैं अपने देश के लिए, प्यार बढ़ रहा है उनका। अरे आपने जगा दिया, आपने 24 घंटे के अंदर देश को जगा दिया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से 10 से 20 वीडियो लगातार, 10 से 20 वीडियो करिश्मा भोसड़ी पर ही आएगा। अब वो क्यों आएगा, अब आप वो बात ध्यान से सुनिए। अभी जो वीडियो चल रहा था ये मैंने रात नहीं डाला, और अभी भी मैं अपने वीडियो के साथ इस वीडियो को मैंने ऐड किया ताकि आपके माइंड में रहे कि जो मस्जिद के लाउड स्पीकर से जिसको अजान हो रही थी, वो इसको अजान क्यों हो रही थी, क्यों हो रही थी। 20 साल से ये वहाँ थी, ये उस बाबा, अंधेरी बाबा से बता रही है कि इसको 20 साल से इसको लौंडे छेड़ रहे हैं इस कल्लू अम्मा को, लेकिन इस कल्लू अम्मा का अभी तक कुछ हुआ नहीं। 20 साल से इसको लौंडे वहाँ के छेड़ रहे हैं, इसको टोंट करते हैं, इसको कहते ओ माई डार्लिंग इसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर ये एक वीडियो अपलोड करती है ट्विटर पे कि हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, मतलब कि पहले मुसलमान को टारगेट कर लो, मतलब फिर पहले उनके मजहबी स्थल पर जाकर बदतमीजी करो, वहाँ के हमारे मुसलमान बहन भाइयों से लड़ाई करो, और फिर नन्ही बन जाओ, फिर ऐसी बन जाओ कि अपनी अम्मा के दूध पे अटकी हो। अभी रोटी को टोटी और पानी को मम्मा कहती हो। बहुत ज्यादा अंधभक्त मेरे वीडियो से इतना बौखला गए हैं, इतना बौखला गए हैं बेचारे, इतने कमेंट कर रहे हैं, इतने कमेंट कर रहे हैं कि एक को कमेंट नहीं आ रहा। इधर हमारे दोस्त भी परेशान है, भाई कमेंट आए तभी तो रिप्लाई दिया जाए, कमेंट ही नहीं आ रहा। बेचारे भक्त इतनी सूझ गई है, जैसे लगता है भक्तों के हगने की छेद की जगह पे हीर खान ने माचिस से तीली लगा दिया, माचिस चला के वो तीली गुजर दिया। भक्त हगास आज सुबह की सही हुई थी कि नहीं, कि हगने में भी दिक्कत हो रही। चलो अभी आगे देखो, जो करिश्मा भोसड़ी जो 20 साल से अपने सोसाइटी में रह रही, जिसके घर के सामने नूर इलाही जो मस्जिद है 20 साल से अजान हो रही, तब इसकी माँ को कोई बीमारी नहीं हुई थी, तब इसकी माँ को कोई आधे सर की बीमारी नहीं हुई थी, अचानक से इसकी माँ बीमार हो गई। अब देखिए दोस्तों, आज आपको हम एक बात बताते हैं, जब जगराता होता है तो हमारी गली हमारी रोड छेक दी जाती है, हमारा घर बीच में पड़ता है, छेक दी जाती है। छेकने के बाद लाउड स्पीकर तेज लगाते, अगड़म बगड़म रात भर चलता रहता है। हमारी माँ बीपी की मरीज, हमारी बड़ी माँ बीपी की मरीज, हमारे बड़े पापा की भी तबीयत खराब होती है लाउड स्पीकर से। लेकिन हमने ये अगले साल की बात है, तो हमने कहा कि भाई मना करते हैं, तो मेरे बड़े पापा ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी के धर्म के मतलब उस पर बोलने के लिए, भाई वो ऐसे मानते हैं, मानने तो हमें कोई लेना देना नहीं, तकलीफ है उनका उसमें मतलब मान्यता है तो चलो ठीक है, हम सुन लेंगे रात भर। तो ये रंडी जो करिश्मा, अब आप लोग कहते इसको बिना गाली से बात कीजिए, नहीं नहीं हम बिना गाली वाले नहीं, वो क्या कहते हैं ना, हम चाटने वालों में से नहीं है, ना ही हमको फेमस होना, हम जैसे हम अपने दर पे बहुत ही अच्छे हैं। तब ध्यान सुनो, वो जो करिश्मा भोसड़ी थी, इसको अचानक इसकी माँ को मिग्रेन कैसे होने लगा, इस आधे सर में जो इसकी माँ को दर्द कैसे होने लगा। तो ये जो बाबा, जो अंधेरी बाबा से जो बात कर रही थी CAA को लेकर, NRC को लेकर, ये NRC CAA के मतलब खिलाफ नहीं थी, उसके मतलब समर्थन में थी। ये NRC CAA को सपोर्ट कर रही थी, और जो इसकी सोसाइटी के जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं वो NRC CAA के खिलाफ बोल रहे थे। इसने अपनी वीडियो में खुद बोला कि कोई एक डॉक्टर पूजा है, उन्होंने ये बात बोला, NRC CAA आएगा वो गलत है, हर नागरिक के लिए गलत है। तो ये जासूस बन के उनके बीच गई उनकी बातें सुनने के लिए। वैसे गजब की प्लानिंग करती हो करिश्मा,
गजब की कल्लो अम्मा, गजब की तुम प्लानर हो। अगर तुमको मतलब कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी में डाला जाए तो हमें पता चल सकता है कि पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं, अफगानिस्तान में क्या बातें हो रही हैं, बांग्लादेश में क्या बातें हो रही, हमें पता चल सकता। काफी गजब की तुम जासूस हो। तो ये जो मतलब CAA NRC के जो ये मतलब सपोर्ट कर रही थी, जब इसने देखा कि इसके ही हिंदू NRC CAA के जो खिलाफ है, ये बस उसी से ही जली भूंजी थी। ये बाबा से कह रही थी कि इसकी माँ को इसको मुसलमान मारने जा रहे थे, तलवार से मारने आ रहे थे, यानी कि ये जो है CAA NRC के सपोर्ट में है। तो भैया मुसलमानों ने मारा तो नहीं अब तक, मुसलमानों से मारा नहीं। करिश्मा भोसड़ी को लगता है वो हिंदुस्तान में नहीं रह रही है, वो पाकिस्तान में रह रही है। करिश्मा भोसड़ी को लगता है वो हिंदुस्तान में नहीं रह रही है, वो पाकिस्तान में रह रही है। लेकिन हिंदुस्तान की हीर खान को लगता है कि वाकई में हीर खान हिंदुस्तान में रह रही है, पाकिस्तान में नहीं रह रही है। इनको हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, तो कह तो रहे चली जाओ चाइना और नेपाल, अपनी माँ का हाथ पकड़ो, पैदल निकल जाओ। जैसे हमारे मजदूर पैदल अपने घर को गए, ऐसे तू भी चली जाओ बॉम्बे से पैदल। खैर आगे देखो, इसने कांग्रेस को टारगेट करते हुए क्या बोला, आपने वीडियो में सुना। इसने कहा कि जब तक 2014 से पहले मोदी नहीं था तो देश लंगड़ा लूला अपाहिज था, देश की फिक्र करने वाला कोई नहीं था। अरे करिश्मा भोसड़ी, जो आज तक जो 70 साल में, 70 साल की सरकार में जो तुम लोग कमियां ढूंढ रहे हो, कमियां बता रही हो, 70 साल की जो सरकार थी, उसी 70 साल की सरकार की मेहरबानियों की वजह से आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। और आज एक वही चाय वाला, वही 70 साल की मेहरबानियों की वजह से जो चाय वाला प्रधानमंत्री बना, तो आज वही चाय वाले की मेहरबानियों से, मेहरबानी से, उसके इतने उपकार से, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, जो डॉक्टर इंजीनियर जो जॉब करना चाहते हैं, वो आज बरसात के मौसम में पकौड़ा तल रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, ये कहती है देश किसी को फिक्र नहीं थी, जब से मोदी जी आए देश से लोग प्यार करने लगे। अरे ये कहो ना, काफी ज्यादा माँ बेटी को पैसे दिए गए इस काम के लिए, ये प्री प्लान था पूरा, पहले से ही इसको बताया गया था तुम्हें किस टाइम पे मस्जिद जाना है, किस टाइम पे वहां के लोग तुम्हें मिलेंगे, वहां जाना है, किस टाइम पे तुम्हें मस्जिद के अंदर हल्ला करना है। बस इसको एक फेमस होना था, क्योंकि एक तो ये काली अम्मा, ठीक है, जिसकी दिखती है उसकी ही बिकती है, बात को समझो, ठीक है। उसके बाद जो है इसको फेमस होना था। अब ये कुछ साधुओं से मिली तो साधुओं ने एक प्लान बनाया, हिंदुस्तान की तो दस्तूर बन गया है कि अगर किसी को फेमस होना है तो मुसलमान को गाली दो, मुसलमान की मॉब लिंचिंग करो, किसी हिंदू अगर सही बात बोले उसको मार। अगर आज यही कांग्रेस की सरकार 70 सालों से नहीं होती तो आज तुम्हारी माँ की डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती, किसी कूड़े खाने में तुमको तुम्हारी माँ पैदा करती, अगर मोदी उस टाइम पे होता। आज जो दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मतलब सड़कें बनाई, क्या मोदी ने बनाई या मोदी खानदान वालों ने बनाई या फिर गोडसे की नाजायज औलादों ने बनाई? कांग्रेस के बलबूते पे इतनी तो भारत चल गया, कांग्रेस के बलबूते पे इतना भारत चल गया। जिस कांग्रेसियों के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जिस राहुल गांधी को बोला जाता है वो पप्पू है, उसकी माँ की बेइज्जती की जाती, उसी की दादी के भीख पे सदके पे तुम लोग जी रहे हो। अरे करिश्मा भोसड़ी, उसी के ही दादी के सदके पे तुम लोग जी रहे हो। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे समझाते हैं। करिश्मा अपनी वीडियो में बोल रही है, जब से शिवसेना की जो सरकार है कांग्रेस से मिली तो ये शिवसेना की सपोर्टर नहीं है। लेकिन देखो आदित्य ठाकरे, देखो बाल ठाकरे के जो भी उद्धव ठाकरे हैं, ध्यान से सुनो, अगर तुम मुसलमानों को मारोगे, अगर तुम मुसलमानों को काट के फेंक दोगे, अगर मुसलमान की बेटियों को गायब करवा के बेच डालोगे, तो तुम्हें करिश्मा और उसकी माँ बिल्कुल सपोर्ट करेगी, बिल्कुल सपोर्ट करेगी। तुम एक सच्चे हिंदूवादी कहलाए जाओगे। और अभी तुम कांग्रेस से मिलकर आदित्य ठाकरे का बस खतना नहीं हुआ, बाकी वो सारा सब कुछ मुसलमान हो चुके हैं।
जो बाल ठाकरे के जो बेटे हैं वो सब मुसलमान हो चुके, बस खतने की कमी है। अगर मोदी चाहे, अगर करिश्मा चाहे तो जाके खतना भी खड़े होकर करवा सकती है। खैर, तो अब ये जो करिश्मा है, मैंने आपको बताया ना, इसने प्लान किया था, ये और साधु इसकी माँ सबने मिलकर प्लान किया था, इसको फेमस करना था। क्योंकि देखो, यही लड़की अपनी वीडियो में कह रही कि हमारे यहाँ का हिंदू बोल रहा है हम हिंदू मुसलमान सब एक है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। बॉम्बे के क्या हालात है ये सबको पता है, सब इस हालात से वाकिफ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी हालात के बीच इसकी माँ को मतलब कि कानों में और दिमागों में कैंसर होने लगा, इसकी माँ को सुनाई नहीं देने लगा, जो अजान से इसको तकलीफ होने लगी, स्पीकर से इसको तकलीफ होने लगी। मतलब अगर तुम्हें ठीक है, तुम्हारी माँ को तकलीफ थी तो तुम उसको पुलिस स्टेशन जाती, मस्जिद जाती, चलो ठीक है वहां तक ठीक है, तुम आगे भी कार्रवाई करती। लेकिन तुमने जिस तरह से साधु से बात की तो मुझे पूरा डाउट हो गया कि तुम आरएसएस की नंबर वन की रंडी हो। मुझे पूरा का पूरा डाउट है तुम नंबर वन रंडी हो। तुम्हारे सामने तुम कहती हो मुसलमान हिंदू मिलके रहते हैं वहां पे, तुम्हारे सामने एक साधु कह रहा है हमारे मुसलमानों को वो जिहादी है, वो कटमुल्ले है, वो ये है, फिर भी तुम माँ बेटियों के मुंह से आवाज नहीं निकली और तुम उनकी हाँ में हाँ मिला रही हो। तुमने ये नहीं कहा चलो ठीक, अगर तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं होता तो तुम ये कहती रुकिए साधु जी, ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे थोड़ी आवाज से लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हुई, इसी वजह से मैं गई, कोई पॉलिटिक्स हमें हमारे साथ ना खेले और किसी भी धर्म को और किसी भी धर्म के आदमियों को गालियां और हमारे सामने जिहादी ना बोले। एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़की होती तो ऐसी ही बात करती, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बजरंग दल क्यों गए, बजरंग दल के लोग बड़े बड़े नेता क्यों गए तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए? जहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर उनकी उम्र को नजरअंदाज करके, इतने उम्र के वो है, इतने वरिष्ठ पत्रकार, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा कर दिया जाता है, जिनको गुस्सा नाम की चीज नहीं पता कि गुस्सा है क्या, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता, तब तो कोई हिंदुवादी नहीं बोलता। जब अभिषार शर्मा की एक मासूम सी बच्ची को व्हाट्सएप पे माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, तब अभिषार के सीने पे कलेजे पे हाथ रख के पूछने वाला तुम्हारा हिंदुवादी कोई नहीं था? तुम माँ बेटी तब अपने हिंदुत्व के लिए नहीं उठी थी? क्यों नहीं उठी थी? आखिर क्या दुश्मनी है विनोद दुआ से, अभिषार शर्मा से, इन सब से क्या दुश्मनी है? क्या विनोद दुआ पास बेटी नहीं है, उनके पास भी जवान बिटिया है, उनको भी डर होना चाहिए कि उसके साथ कोई लव जिहाद ना करे, या फिर अभिषार के पास भी है, उनको भी डर होना चाहिए मुसलमान? वो तो बिल्कुल नहीं डरते, वो तो अपनी न्यूज ऑन इतनी मतलब ईमानदारी से रखते हैं, भले वो न्यूज से चाहे कोई मुसलमान हर्ट हो चाहे कोई हिंदू हर्ट हो। हम भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं जब कोई मेरे कश्मीरियों का आतंकवाद कहता है, हम उस न्यूज से हट जाते हैं, डिसलाइक करते हैं, लेकिन हम उनसे बदतमीजी नहीं करते, हम उनसे ये हाँ चलो एक आध बार गुस्से में कमेंट कर भी दिया, लेकिन हम उन पर अपनी मर्जी थोप तो नहीं सकते भाई। एक पत्रकार का होने का मतलब क्या है? जो आजाद रहे, जो अगर किसी भी धर्म में गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाए, ये नहीं है सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर तुम्हारा नाजायज बाप मोदी भारत पर राज करेगा और कांग्रेस के बारे में तुम क्या बोल रही हो? अगर यही 70 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा तुमको गोद में लेके स्टेशन में बड़े कटोरे में अरे दे दो बाबा चाय ही दे दो पकौड़ा ही दे दो ऐसे भीख मांग रही थी। यही कांग्रेस की सरकार है, इसकी भीख पर तुम्हारी परवरिश हुई है। यही कांग्रेस की सरकार है, इसकी थूक पर तुम पली हो। यही कांग्रेस की सरकार की वजह से, यही राहुल गांधी की दादी के मतलब जकात पे तुम आज उस घर में रह रही हो। ये इतने हॉस्पिटल, इतने स्कूल किसने बनाए? मोदी के बाप ने बनाए, योगी के बाप ने बनाए? अबे किसने बनाए इतने सारे हॉस्पिटल वगैरह? तुम लोग कहते हो कि कांग्रेस बेकार है, अगर तुम लोग को कोरोना या कोई कैंसर की बीमारी हो जाती है तो क्यों जाते हो कांग्रेस के हॉस्पिटल में? मोदी से कहो एक हॉस्पिटल बनाए, इतनी ज्यादा हजारों करोड़ों की मूर्ति बना के रख दिया तो उन्हीं मूर्तियों से जाकर इलाज करवाओ, हमारे कांग्रेस की सरकार वाले हॉस्पिटल में नहीं जाया करो चूतिया रांड। वीडियो यहीं पे खत्म करते, अल्लाह हाफिज़। लाइट भी चली गई।